नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल आर्ट्स मास्टर पे। दोस्तों, इस वीडियो में लोग बात करने वाले हैं ज्योग्राफी के गेस्ट क्वेश्चनों की। ठीक है दोस्तों, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। अगर इन प्रश्नों का आप कर लेते हैं तो यकीन मानिए आपके ज्योग्राफी में 90+ नंबर निश्चित आएंगे। ठीक है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो मैंने शामिल किया है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं जो आपको एग्जाम में करके जाने हैं। ओके, तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे लघुतरीय प्रश्न की। ठीक है, लगभग 50 प्रश्न इसमें लघुतरीय होंगे। ठीक है, और 10 आपके दीर्घतरीय प्रश्न होंगे। ओके, तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न क्या है आपका। तो दोस्तों पहला प्रश्न है मानव भूगोल को परिभाषित करें। ठीक है दोस्तों, मानव भूगोल की परिभाषा लिखना है आपको पहले प्रश्न में। दूसरा आपका है मानव विकास के दो मूलभूत क्षेत्र कौन कौन से हैं। ओके दोस्तों, मानव विकास के दो मूलभूत क्षेत्र कौन कौन से हैं वो आपके लिखने हैं। थर्ड आपका है साम्यवाद क्या है या साम्यवाद से आप क्या समझते हैं। चौथा है जनसंख्या परिवर्तन के कम दो घटकों के नाम लिखे। ओके दोस्तों, जनसंख्या परिवर्तन के कम दो घटकों के नाम लिखने हैं। ठीक है, फिर आपका है लिंग संरचना से आप क्या समझते हैं। ओके दोस्तों, पांचवा प्रश्न है लिंग संरचना से आप क्या समझते हैं। छठा है आपका मानव विकास के चार स्तंभ क्या है। ठीक है दोस्तों, मानव विकास के चार स्तंभ आपको लिखने हैं। सातवां आपका है मानव विकास से आप क्या समझते हैं, यानी कि परिभाषा आपका लिखना है मानव विकास की। ठीक है, आठवां आपका है सतत पोषणीय विकास से आप क्या समझते हैं। ठीक है दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, ये आपके पाँच नंबर में भी पूछता है सतत पोषणीय विकास डायरेक्ट। ठीक है, और दो नंबर में भी पूछता है। फिर आपका नौवां है आधारभूत उद्योग से आप क्या समझते हैं। ठीक है, दसवां आपका प्रश्न है कच्चे माल के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण करें। ओके दोस्तों, कच्चे माल के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण करें। ग्यारहवां आपका है निश्चयवाद से क्या समझते हैं या निश्चयवाद क्या है। बारहवां आपका है जनसंख्या संगठन से आप क्या समझते हैं। ओके दोस्तों, तेरहवां आपका है कुटीर उद्योग एवं लघु उद्योग में अंतर स्पष्ट करें। ठीक है, चौदहवां आपका है जल परिवहन के क्या लाभ है। पंद्रहवां है रोपण कृषि के चार फसलों के नाम लिखे। ओके दोस्तों, रोपण कृषि के चार फसलों के नाम लिखना आपको। सोलहवां आपका है वायु प्रदूषण के प्रमुख स्रोतों के नाम लिखे। ठीक है, सत्रहवां आपका है चार पंचम क्रियाकलापों का उल्लेख करें, यानी कि पंचम क्रियाकलाप है उसके बारे में लिखना है चार थो। ठीक है, अठारहवां आपका है जीवन निर्वाह कृषि क्या है। ठीक है, उन्नीसवां आपका है उत्तर भारत में सिंचाई के प्रमुख साधन क्या है। ठीक है, उन्नीसवां क्या आपका है उत्तर भारत में सिंचाई के प्रमुख साधन क्या है वो लिखना आपको। बीसवां आपका है शुष्क कृषि से क्या समझते हैं या किसे कहते हैं। ठीक है, इक्कीसवां आपका है कोको के बारे में आप क्या जानते हैं। ठीक है, बाईसवां आपका है नगर महानगरों एवं मेगा नगरों को परिभाषित करें। ठीक है, तेईसवां आपका है गुच्छित बस्तियां एवं बिखरी बस्तियों में अंतर क्या है। ठीक है, चौबीसवां आपका है भारतीय रेलवे की किन्हीं दो समस्याओं को लिखे। ठीक है दोस्तों, भारतीय रेलवे की किन्हीं दो समस्याओं को लिखे, यह आपका चौबीसवां प्रश्न है। पच्चीसवां आपका है फुटकर व्यापार सेवा से आप क्या समझते हैं। ठीक है दोस्तों, फुटकर व्यापार सेवा से आप क्या समझते हैं। फिर आपका है जन्म दर एवं मृत्यु दर में अंतर करें। ठीक है, जन्म दर एवं मृत्यु दर में अंतर लिखना है आपको। फिर आपका है अट्ठाईसवां आपका है प्रौद्योगिकी पार्क क्या है। ठीक है, प्रौद्योगिकी पार्क के साथ पार्क से आप क्या समझते हैं वो लिखना है। उनतीसवां आपका है जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों को लिखे। ठीक है, जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों को लिखना है आपको। तीसवां आपका है ग्रामीण अधिवासों की पांच विशेषताओं को लिखे। ठीक है दोस्तों, ग्रामीण अधिवासों की पांच विशेषताओं को लिखे। इकतीसवां आपका है जल संसाधन का संरक्षण क्यों जरूरी है। ठीक है दोस्तों, जल संसाधन का संरक्षण क्यों जरूरी है ये आपको लिखना है। बत्तीसवां है गन्ना की खेती के लिए आदर्श परिस्थितियों का वर्णन करें। तैंतीसवां है चाय की खेती के लिए आवश्यक दशाओं का वर्णन करें। चौंतीसवां है जल प्रदूषण को रोकने के लिए उपायों को लिखे। ठीक है दोस्तों, जल प्रदूषण के रोकने के उपायों को वर्णन करना आपको। पैंतीसवां आपका है तृतीय क्रियाकलापों का वर्णन करें। छत्तीसवां आपका है भारतीय कृषि की प्रमुख समस्याओं को लिखें। सैंतीसवां आपका है स्वेज नहर के महत्व को वर्णन करें। ठीक है, अड़तीसवां आपका है भारत में पवन ऊर्जा की संभावनाओं को लिखे। ठीक है दोस्तों, भारत में पवन ऊर्जा की संभावनाओं को लिखो, ये आपका अड़तीसवां है। उनचालीसवां आपका है अंतर्राष्ट्रीय एवं अंतर्राज्यीय प्रवास में अंतर स्पष्ट करें। ठीक है दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय एवं अंतर्राज्यीय प्रवास में क्या अंतर है लिखना है आपको। चालीसवां आपका है बहुउद्देशीय योजना से आप क्या समझते हैं या क्या अर्थ है। इकतालीसवां आपका है ऊर्जा के नवीनीकृत तथा अनवीनीकृत
साधनों में अंतर स्पष्ट करें। ठीक है दोस्तों, ऊर्जा के नवीनीकृत और तथा अनवीनीकृत संसाधनों में या साधनों में अंतर स्पष्ट करना है। 42वां आपका है, भारत के पूर्वी तट पर स्थित चार प्रमुख समुद्री पत्तनों के नाम लिखना है आपको। ठीक है, 43वां आपका है, भारत के चार मध्यकालीन शहरों के नाम लिखना है। ठीक है, 44वां आपका है, निबल बोया गया क्षेत्र तथा सकल बोया गया क्षेत्र में अंतर स्पष्ट करें। ठीक है, निबल बोया गया क्षेत्र तथा सकल बोया गया क्षेत्र में अंतर स्पष्ट करने। 45वां आपका है, स्वर्णिम चतुर्भुज राजमार्ग पर टिप्पणी लिखे। ठीक है दोस्तों, स्वर्णिम चतुर्भुज राजमार्ग पर आपको टिप्पणी लिखना है। ओके दोस्तों, ये थे आपके 45, ठीक है, लघुतरीय प्रश्न, जो कि आपको निश्चित पढ़ के जाइए, यकीन मानिए इतना पढ़ लीजिएगा आपके लिए काफ़ी है ये। ठीक है, फिर आपका चलते हैं दीर्घोत्तरीय प्रश्न की ओर। ठीक है, दीर्घोत्तरीय प्रश्न में यानी कि 5 नंबर वाले प्रश्न में आपको पढ़ना है, गहन निर्वाह कृषि की विशेषताओं का वर्णन करें। ठीक है दोस्तों, गहन निर्वाह कृषि की विशेषताओं का वर्णन करें। सेकेंड है, जनसांख्यिकीय संक्रमण सिद्धांत की विवेचना करें। ठीक है, थर्ड आपका है, रोपण कृषि की विशेषताओं का वर्णन करें। चौथा आपका है, उद्योग के स्थानीयकरण के कारकों की विवेचना करें, यानी कि उद्योग की स्थापना में कौन कौन से कारण जिम्मेदार होते हैं, फैक्टर इफेक्टिंग होता है, उसको आपको लिखना है। ठीक है, पांचवा आपका है, हरित क्रांति की व्याख्या करें। ठीक है दोस्तों, हरित क्रांति से क्या समझते हैं या उसका क्या हुआ था हरित क्रांति में, वो लिखना है। छठा आपका है, भारत में धान के उत्पादन एवं वितरण का वर्णन करें। ठीक है, सातवां आपका है, भारत में लौह एवं इस्पात उद्योग के विकास एवं वितरण का वर्णन करें। आठवां आपका है, प्रतिरूप के आधार पर ग्रामीण आदिवासियों का वर्गीकरण करें। ठीक है दोस्तों, प्रतिरूप के आधार पर ग्रामीण आदिवासियों का वर्गीकरण करें। नौवां आपका है, भारत के सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग की व्याख्या करें। ठीक है दोस्तों, भारत के सूचना प्रौद्योगिकी प्रौद्योगिकी उद्योग की व्याख्या करना है। दसवां आपका है, भारत में गेहूँ उत्पादन के लिए उत्पादन एवं वितरण का वर्णन करें। ठीक है, तो ये आपके दीर्घोत्तरीय 10 प्रश्न हो गए। ठीक है, इनको कर लीजिएगा तो यकीन मानिए दोस्तों आपको 90+ नंबर ज्योग्राफी में निश्चित आएंगे, आसानी से आएंगे। बहुत आसान होता है क्वेश्चन ज्योग्राफी का, पिछले साल भी आसान पूछा था। ठीक है, उम्मीद है कि इस साल भी आपका क्वेश्चन आसान ही आएगा। ठीक है, तो दोस्तों इस वीडियो में आपको सिर्फ क्वेश्चन दिया जा रहा है। ठीक है, इसके बाद जो आपके इसके सोल्यूशन भी आपको मिल जाएगा बहुत जल्द। ठीक है, ओके दोस्तों, तो चलिए, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो कृपया लाइक कर दे, शेयर कर दे, और नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। ठीक है, ओके, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों एक बात और, अगर आपका इसका PDF चाहिए, ठीक है, तो दोस्तों इसका PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। ठीक है, टेलीग्राम पे आप जाइएगा, सर्च कीजिएगा आर्ट मास्टर, आपको चैनल मिल जाएगा, उस पर इसका PDF आपको मिल जाएगा, आसानी से मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।